हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जायका लाजवाब। आज मैं आपको न्यूटेला पराठा बनाना सिखाऊंगी। न्यूटेला पराठा के लिए हमें न्यूटेला चाहिए हस्बे ज़रूरत। ये जो डो है इसको मैंने तैयार किया है। इस डो में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी पहले वो चल के देख लेते हैं। इस डो को हमने किस तरह तैयार किया है। डो के लिए हमने लिया है यहाँ पर 1 कप मैदा, 1 कप होल व्हीट फ्लावर, 2 टेबलस्पून सूजी, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर और 1 से 2 टेबलस्पून आप ले लें ऑयल के। और अब हम इस आटे को नीम गर्म पानी से जो है वो गूंद लेंगे, सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। आटा मैंने गूंद लिया है और इसको मैंने हल्का सा हाथ ऑयल का ऊपर लगा के इस पर क्लिंग फॉइल लगा दी। और अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और फिर इसके बाद हम पराठा बनाएंगे। अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा हमने जो है वो पेड़ा ले लिया है और थोड़ा सा हम मैदा स्प्रिंकल कर लेते हैं। पेड़ा बना के आप इसको गोल गोल हाथ में घुमाइए और घुमाने के बाद आप इसको इस फ्लावर में जो है वो प्रेस डाउन करें और इसके किनारों को हम थोड़ा सा प्रेस करके इसको अब हम एक गोल रोटी की तरह हम इसको बेल लेंगे। और बेलने के बाद हम इसके ऊपर जो है वो इसको भी हमने थोड़ा सा बेला है और बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। 1 टेबलस्पून आप समझ लें, हम इसके ऊपर एक ऑयल का इस तरह हमने इस पे लगा दिया और थोड़ा सा मैदा हमने साथ स्प्रिंकल कर दिया। अब आप देखिए ये हमने उठाया और ये इस तरह फोल्ड किया। इस तरह हम पंखा बनाते हैं ये इस तरह जाएगा। ये इस तरह फोल्ड किया, ये उठा के हमने नीचे की तरफ फोल्ड किया, फिर ये उठा के हमने नीचे की तरफ इसको फोल्ड किया और फिर ये आखिरी वाला भी ऐसे ही। अब इन किनारों को आप पकड़िए और इस तरह आप इसको हल्का सा कीजिए। अब आप यहाँ से शुरू हों और इसको अब आप रोल करते हुए एंड तक लेके जाएंगे। इसको आपने रोल कर लिया और ये जो एंड का है ये हमने इसके ऊपर यहाँ दबा दिया। ये हमारा एक पेड़ा जो है वो तैयार है और अब हम इसको फिर से मैदे में जो है वो प्रेस करेंगे। अब हम इसको हल्के हाथों से जो है वो बेलेंगे। ये देखिए हल्के हाथों से आपने बेलना है और बेल के हम एक गोल सी एक रोटी सी बना लेंगे। ये देखिए ये हमने अपनी रोटी गोल बेल ली है। अब हम इसको अपने फ्राइंग पैन में डालते हैं। फ्राइंग पैन हमारा गरम है। अब हम इसमें ये अपना जो पराठा है वो इसमें डालेंगे। थोड़ी देर के बाद हम जो है वो इसको, ये थोड़ा डार्क होगा नीचे से तो आप जो है वो इसको पलट लीजिएगा। ये देखिए थोड़ा अभी पक रहा है और अब हम इसको जो है वो पलट लेते हैं। पलटने के बाद अब हम ऊपर से 1-2 टेबलस्पून ऑयल के डालेंगे और हम नीचे भी 1-2 टेबलस्पून ऑयल के डालेंगे। और अब हम इसको पराठे को सेकेंगे। ये देखिए इसको आप घुमाइए ताकि ये चारों तरफ इसका जो है वो एक इक्वल कलर आए। इसको आपने घुमा लिया, देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा इसका कलर आया है। बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनेंगे और अभी ये हो रहा है नीचे से। ये देखिए मैंने इसकी साइड पलटी है और अभी कितना खूबसूरत कलर इस पे आया है। ये हमारा तकरीबन हो चुका है ये पराठा। अब हम इसको
एक टिशू पे निकाल लेते हैं। पराठे को हमने एक टिशू पे निकाल लिया है। अब इसको थोड़ी देर बाद हम इसको जो है इसके ऊपर न्यूटेला स्प्रेड करते हैं। अब हम इसके ऊपर न्यूटेला जो है वो आप स्प्रेड कर दीजिए। जितनी आपको न्यूटेला पसंद है तकरीबन आप 1 से 2 टेबलस्पून जो है वो न्यूटेला के इस तरह इसके पूरे पराठे पे लगा लीजिए। पराठा बहुत ही क्रिस्पी है, मज़ेदार है। आप इसको इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। और अब आप चाहें तो आप इसको एज इट इज़ इसी तरह ही सर्व करिए कर सकते हैं आप, या मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन करके दिखाती हूँ कि इसको आप किस तरह सर्व कर सकते हैं। मैंने अपने न्यूटेला पराठे को 4 ट्राइंगल्स में काट लिया था और फिर मैंने इसको थोड़ी सी चॉकलेट सॉस ऊपर ड्रिजल कर दी, टोस्टेड आलमंड्स और स्ट्रॉबेरीज, बनानास और क्रीम के साथ इसको सर्व किया। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको प्लेन पसंद करते हैं तो प्लेन खा लीजिए और इस तरह से आप गार्निश भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।